हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर फर्स्ट जो पढ़ा था हमने पिछली वीडियो में रिलेशनशिप्स, उसके क्वेश्चन आंसर और अदर एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले है टिक द करेक्ट मार्क। इसमें फर्स्ट है एवरी इन अ फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट। तो फैमिली में कौन इम्पॉर्टेंट होता है पढ़ा था ना हमने, मेम्बर, हर सदस्य इम्पॉर्टेंट होता है। वी शेयर अवर विद अवर फैमिली मेम्बर्स, क्या शेयर करते हैं हम हमारी हैप्पीनेस, मीन्स खुशी शेयर करते हैं। अ लेडी कैन बी मदर एंड अ, क्या हो सकती है, मम्मी जो हैं वो मदर भी हो सकती हैं और वाइफ होती हैं, आपके पापा की वाइफ होती हैं। अवर मदर एंड फादर आर अवर पेरेंट्स, यहाँ आएगा पेरेंट्स, सी ऑप्शन। अब क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई इज़ फैमिली इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो इसका आंसर हमें मिलेगा सबसे स्टार्टिंग में, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में, यहाँ से लगाएंगे आप, एवरी मेंबर इन अ फैमिली इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्ले डिफरेंट रोल एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, अब मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, समझा नहीं रही हूँ आपको, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको पिछले चैप्टर में मैंने पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप पहले वो वीडियो देखिए, बाद में क्वेश्चन आंसर कीजिए ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वॉट इज़ द रिलेशन बिटवीन डॉटर एंड अ सन ऑफ अ मदर। आपकी मम्मी हैं, उनके आप बेटा और बेटी हो, तो उन आप दोनों का क्या रिलेशन हुआ, देखते हैं। ये रहा लास्ट लाइन है, द चिल्ड्रन आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जो बच्चे होते हैं आपस में, उनका दोनों का क्या रिलेशन होता है, भाई बहनों का, ब्रदर सिस्टर। नेक्स्ट है, हु आर मोहिनीज अंकल एंड आंट। मोहिनी की अंकल और आंट कौन थे या कौन हैं। तो ये रहा, ये मोहिनी हैं और मोहिनी के अंकल आंट हैं। नेम बताना है हमको इनका, तो यहाँ से मिलेगा, मिस्टर मनोज एंड मिसेस सीमा आर मोहिनीज अंकल एंड आंट। ये थर्ड का आंसर है आपका। ठीक है, तो बुक में टिक कर लेना पहले, उसके बाद में लिखना। आप सभी होमवर्क है ये आपका, सारे जो भी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर है ये आपको फेयर नोटबुक में राइट करना है। Who are foster parents of a child? Foster parents कौन होते हैं? Foster parents आपको बताया था ना मैंने, जो adopt करते हैं किसी बच्चे को, गोद लेते हैं, वो उसके foster parents होते हैं। यहाँ से लगाएंगे हम, When husband and wife adopt a child and raise the child as their own, they are called the child's foster parents. ठीक है, ये fourth का answer हो गया हमारा। What is the relation of a lady with her husband's father? अपने husband के father से क्या relation होता है एक lady का? तो वो उनके क्या होते हैं? Father-in-law होते हैं। यहाँ से मिलेगा, He is the father-in-law of, अब यहाँ Mrs. रेखा नहीं लिखेंगे हम, lady, क्योंकि question में lady पूछा है ना, तो आपको मिसेस रेखा की जगह लेडी करना है, बस ये यहाँ तक आएगा, इतना छोटा सा आंसर है। ही इज़ फादर इन लॉ ऑफ द लेडी, यहाँ पे लेडी से पहले द भी लगाना है आपको। ठीक है, ही इज़ द फादर इन लॉ ऑफ द लेडी, ऑफ तक यहाँ तक लिखना है और उसके बाद द लेडी लिखना है। ये आपका फिफ्थ का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन आंसर हो गए। सर्कल द ऑड वन, इसमें आपको ऑड जो कि अलग है औरों से उसको टिक करना है या सर्कल करना है। तो देखिए, इसमें सिस्टर, मदर, फ्रेंड और ब्रदर चार दे रखे हैं। इसमें ये फ्रेंड है, ये अलग है क्योंकि ये फैमिली का मेंबर नहीं होता है, इसलिए ये ऑड है। अंकल, फादर, ब्रदर और मदर, इसमें मदर जो है ये एक लेडी है, बाकी ये तीनों हैं ये जेंट्स हैं, तो इसलिए मदर इसमें ऑड है, तो ये इसका ऑड हो गया। अब नीचे आपको रिलेशंस बताने हैं। ये एक बॉक्स दे रखा है, फैमिली बॉक्स है, इसमें ये दोनों मम्मी पापा हैं ऊपर जो हैं ये, और ये इनका बेटा है, ये बेटे की वाइफ है मीन्स बहू है, ये बेटी है और ये बेटी का हस्बैंड है। तो आपको इनके रिलेशंस बताने हैं, तो देख लेते हैं क्या करना है।
समझ गए होंगे आप, ये क्या हुआ सन और ये डॉटर इन लॉ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सन एंड डॉटर इन लॉ, और ये कौन है डॉटर और ये है सन इन लॉ। मीन्स जो बहू होती है उसे डॉटर इन लॉ कहा जाता है और जो बेटी का हस्बैंड होता है उसे सन इन लॉ कहा जाता है। ठीक है, खुद के बेटे को तो सन कहते हैं और खुद की बेटी को डॉटर कहते हैं, फिर बेटे की वाइफ को डॉटर इन लॉ कहते हैं और बेटी के हस्बैंड को सन इन लॉ कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा। अब इनका दोनों का आपस में रिलेशन बताना है आपको। बेटा और बेटी, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, सिस्टर एंड ब्रदर। तो यहाँ पे सिस्टर एंड ब्रदर करेंगे आप। बस हो गई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। ये यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और बचा है, नेम्स एंड रिलेशनशिप। यहाँ पे आप किसी के भी नेम्स लिख सकते हैं और उनसे आपका क्या रिलेशन है वो बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फादर, फादर से आपका रिलेशन क्या है, अगर आप बेटे हो तो सन और बेटी है तो डॉटर। यहाँ पे मदर, और मदर से भी वही रिलेशन होता है डॉटर या सन। यहाँ पे आप ग्रैंडफादर कर सकते हैं और ग्रैंडफादर से रिलेशन आपका क्या होता है, आप होते हैं उनके ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर। और यहाँ पे ग्रैंड मदर मीन्स दादी जी, और उनके भी आप ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर होते हैं। तो यहाँ पे आप अगर लड़के हो तो यहाँ पे सन आएगा, यहाँ पे भी सन आएगा, और यहाँ पे ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर आएगा, ग्रैंडसन आएगा दोनों में। और अगर आप लड़की हो तो यहाँ पे भी डॉटर आएगा, यहाँ पे भी डॉटर आएगा, और यहाँ पे ग्रैंड डॉटर आएगा दोनों में। ठीक है, तो कर लेना आप, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर अगली वीडियो में करेंगे। आप इसको पूरे को अच्छे से देख के, और आपको सारे क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करनी है अपनी नोटबुक में। ओके।